हाय फ्रेंड्स, मैं तलीम नितिन उत्तर बनारस। फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये टाटा की नेक्सॉन आई है। गाड़ी में लाइट की प्रॉब्लम है और गाड़ी की पिकअप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर रही है। फ्रेंड्स, अभी मैंने देखिए इसमें सिस्टम लगाया गया है, मीटर पर देखा। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में देखिए हीटर लाइट और चेक लाइट है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें देखिए सिस्टम लगाता हूँ। ये टाटा की नेक्सॉन पे गया वीडियो कोड। तो फ्रेंड्स, हमारा कोड देखिए ये है P0403। ये कोड है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट गैस रिसाइक्लेशन कंट्रोल क्रेट। मतलब गाड़ी में जो आपका EGR का पाइप है मॉडिफिकेशन, उसको वैक्यूम रिसाइक्लेशन नहीं करता। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। रेडियो कोड हमारा चेक लाइट चला गया और हमारी चेक लाइट फिर आ जाएगी। देखिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए आप सिस्टम भी देखिए। हाँ, रीड कोड पे जाओ, तो रीड कोड करो। देखिए रीड कोड है एग्जॉस्ट गैस। पेज को बैक करते हैं हम। हाँ, बैक करते हैं। चेक लाइट भी देखते रहिए आप। देखिए हमारा चेक लाइट आई है, दोनों दिख रहा है। हमने बैक किया, क्लियर कोड किया, हमारी चेक लाइट चली गई, फिर आ जाएगी। और फिर से हमने इसमें देखिए नो फॉल्ट कोड है। अभी मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ। ये हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसाइक्लेशन। फ्रेंड्स, ये कोड हमारा परमानेंट बना हुआ है। तो मैंने अभी इसमें पूरी वायरिंग चेक किया है, तो मुझे फॉल्ट मिला। मैं आपको आइए दिखाता हूँ उस गाड़ी का फॉल्ट। मैंने इसका पाइप ये निकाला हुआ है और मैं जब इसका ये इधर देखा गाड़ी में, ये देखिए ये आपका यहाँ से ये आपका ये पाइप आके EGR में कंटेक्ट होता है। मैंने चेक किया, यहाँ वैक्यूम तो नहीं दे रहा है और यहाँ पर देखिए हमारा वैक्यूम बना हुआ है। तो इस पीरियड में फ्रेंड्स, या तो मेरा ये मॉड्यूलेटर खराब होता है या फिर इसका कहीं से वायर में दिक्कत था। मैंने फ्रेंड्स इसका देखिए अभी ये वायर छटकाया है, तो इसका मुझे प्रॉब्लम मिला। ये देखिए इसका ये दोनों तार जड़ से टूट गया है। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको करते हैं सही, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी पर स्लाइड क्या है। फ्रेंड्स, मैं देखिए इसका तार छीन लिया है और देखिए इसका कपलर है। अभी मैं इस कपलर को लगाता हूँ और करता हूँ गाड़ी कंप्लीट ठीक। फ्रेंड्स, आपने देखिए एक कपलर इसमें दूसरा लगा दिया है और हम इसको लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आइए तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। गाड़ी में देखिए चेक लाइट है। ये देखिए चेक लाइट है फ्रेंड्स। अब हम इसमें लगाते हैं सिस्टम, कोड को इरेज करते हैं, देखते हैं हमारा कोड इरेज हो रहा है कि नहीं। तो अब हम इसमें गए टाटा इंडिया में, ओके में गए। सॉरी, ओल्ड मेन्यू में चले गए, टाटा नेक्सॉन और रेडियो कोड हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसाइक्लेशन, यही कोड है। और फ्रेंड्स, इसको डिलीट करते हैं, देखते हैं कोड हमारा जा रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी मीटर में चेक लाइट चली गई है और यहाँ देखिए रीड कोड में नोटेबल कोड है। अब हम गाड़ी को रेस करते हैं, जो रेस करने पे हमारा वो आ रहा था, देखिए आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए
बेटा मैं चाप रहा हूँ, फ्लाइट हमारी अब नहीं आ रही है। मैं गाड़ी को बंद करता हूँ, आप फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी मीटर में, क्लस्टर मीटर में इसके कोई भी लाइट नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम फ्रेंड्स, ये मॉड्यूलेटर का तार टूटा हुआ था, जिसके वजह से EGR का गैस रिसाइकल नहीं हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की फ्रेंड्स आज का मेरा यही टॉपिक था, इसका एग्जास्ट गैस रिसाइकलेशन नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसके पिकअप में दिक्कत थी। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सलीम नसीम मोटर वर्कशॉप बनारस। फ्रेंड्स अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज, आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना भी मुझसे होगा मैं वीडियो बना दूँगा और आप सबको भी बताता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।